हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं वेजिटेबल स्टू की रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी मैं बिना किसी तेल के बनाने जा रहा हूं और बनाऊंगा स्टैक कुकिंग स्टाइल में। इस रेसिपी का नाम सुन के तो आपको मालूम चल गया होगा कि मैं इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करने जा रहा हूं। लेकिन वेजिटेबल्स के अलावा इसमें एक और ख़ास इंग्रेडिएंट मैं आज यूज़ करूंगा और वो है कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नारियल के दूध में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? तो चलिए मैं आपके साथ इसके कुछ बेनिफिट शेयर करूं। तो पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये ब्लड प्रेशर के और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपके मसल और बोन स्ट्रेंथ को ज़्यादा करता है और फैट को कम करता है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों ये है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको थकावट नहीं लगेगी। और फोर्थ बेनिफिट दोस्तों ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। और फिफ्थ बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनके लिए नारियल का दूध बहुत ही बेनिफिशियल है। वो अपनी रेसिपी में नारियल का दूध ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये थे दोस्तों नारियल के दूध के बेनिफिट, यकीन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ वेजिटेबल स्ट्यू की रेसिपी इन जीरो ऑयल एंड इन स्टैक कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों, वेजिटेबल स्ट्यू बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कोकोनट मिल्क हम कैसे निकालेंगे। तो कोकोनट मिल्क निकालने के लिए हमें फ्रेश कोकोनट का यूज करना चाहिए। हमें चाहिए 1.5 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। हमें ब्लेंडर में पीस लेना है, 1/4 ग्लास पानी ऐड करेंगे और हमें सिर्फ 2 सेकंड तक पीसना है। अगर हम ज़्यादा पीसेंगे तो ये बहुत ही फाइन हो जाएगा और दूध निकलने में मुश्किल हो जाएगा। फिर हम पाइप को अच्छी तरह हाथों से स्क्वीज करेंगे ताकि इसका दूध निकल जाए और हम एक स्ट्रेनर यूज करेंगे इसे फिल्टर करने के लिए। ये जो दूध निकलेगा वो बहुत ही ठीक होगा क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इसे अलग से रख लेंगे और फिर से पल्प को हम ब्लेंडर में 2 सेकंड तक पीसेंगे। 200 सेकंड बाद जब हम इसे ग्राइंड करेंगे या ब्लेंड करेंगे तो हमें इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करना है। सेकंड टाइम जो दूध निकलेगा वो थोड़ा थिन होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट टाइम। इसे भी हमें सेपरेटली एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम थर्ड टाइम मिल्क निकालेंगे। थर्ड टाइम मिल्क निकालने के लिए हमें पल्प में 2 ग्लास पानी ऐड करना है और फिर से हम 2 सेकंड तक ब्लेंड कर लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और तो तीसरा मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होगा। तो ये लीजिए दोस्तों, फर्स्ट मिल्क, सेकंड मिल्क और थर्ड मिल्क रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं रेसिपी में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें जो हमने लास्ट में मिल्क निकाला था थर्ड मिल्क, जो कि बहुत ही पतला था, वो ऐड करेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें जिंजर, ग्रीन चिलीज, वन टेबलस्पून सॉल्ट, 3 मीडियम ऑनियंस थिनली स्लाइस्ड। इसे हमें बहुत ही पतला काट लेना है, जितना पतला काटेंगे उतना जल्दी कुक हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये रेसिपी मैं जीरो ऑयल में बना रहा हूँ। तो यहाँ प्याज को कुक करने के लिए हमने कोकोनट मिल्क का यूज़ किया है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ स्टैक कुकिंग। स्टैक कुकिंग का मतलब है कि हम जब कुछ कुक कर रहे हैं उसके साथ ही हम बाकी सब्जी भी कुक कर लेंगे। यहाँ मैं कैरेट, बीन्स, फ्रेश ग्रीन पीस और पोटैटोस एक साथ कुक कर रहा हूँ। नीचे हमारा ऑनियन कुक हो रहा है और ऊपर में वेजिटेबल्स कुक हो रहा है। इसे कहते हैं स्टैक कुकिंग। इसे हम बंद करके 20 मिनट तक पका लेंगे। 20 मिनट हो गया है, अब हम
वेजिटेबल्स को बाहर निकाल लेंगे और देखेंगे कि ओनियन कितना कुक हुआ है। दोस्तों वेजिटेबल्स बहुत ही गर्म होंगे तो उन्हें आप खाली हाथ से मत निकालिएगा वरना आपकी हाथ जल सकती है। हम चेक करेंगे कि ओनियन कुक हुआ कि नहीं, तो ओनियन बहुत ही अच्छी तरह कुक हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें सेकेंड मिल्क जो हमने सेकेंड टाइम निकाला था। सेकेंड मिल्क डाल के जब वो गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स। पहले मैं डालूंगा पोटैटोस, जिसे हमने पहले स्टीम करके रखा हुआ था, उसे मैंने काट लिया है। फिर ऐड करेंगे चॉप्ड ग्रीन बीन्स, चॉप्ड कैरेट एंड फ्रेश ग्रीन पीस, क्योंकि सब हमने पहले ही स्टीम किया हुआ है और ऑलमोस्ट ये आधा पक गया है, इसलिए हमें इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अब हम इसे और 5 मिनट तक पकाएंगे बंद करके, ताकि जो वेजिटेबल्स का जो अरोमा है वो अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाए इस डिश में। अब लास्ट में हम फर्स्ट मिल्क ऐड करेंगे जो कि हमने पहले निकाला था। ये बहुत ही थिक है दोस्तों, इसलिए ये डालते ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, नहीं तो ये फट जाएगा। लास्ट में हम डालेंगे करी लीव्स, ये डिश को बहुत ही एरोमेटिक फ्लेवर देगा। और आप हमेशा फ्रेश करी लीव्स को यूज कीजिएगा इस डिश को बनाने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारा वेजिटेबल स्टू रेडी हो गया है। अगर आपको जीरो ऑयल कुकिंग या स्टैक कुकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा।